जय राधे कृष्ण। भक्तों, आज मैं आपको श्लोक नंबर 24, 25 और 26 को एपिसोड नंबर 11 में ऐड करूँगा। आप भक्तिभाव से सुने और सहयोग करें। एवमुक्तौ हृषिकेशौ गुणोकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोन्नतमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन ते। आज इस एपिसोड से मैं आपको सबसे पहले एक एक श्लोक के शब्द का अर्थ बताते हुए व्याख्या करूंगा। भारत, हे भरतवंशी राजन, गुणाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं इस तरह उक्त कहने पर ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयो दोनों सैन्यो सेना के मध्य भाग में मध्य भीष्म द्रोण प्रमुखतः पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने च तथा सर्वेषां संपूर्ण महिक्षिताम राजाओं के सामने रथोन्नतमम श्रेष्ठ रथ को स्थायपथत्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा के पार्थ, हे पार्थ, एतान इन समवेतान इकट्ठे हुए कुरून कुरुवंशियों को पश्य देख, अर्थात गुणाकेशेन। गुणाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं, गुणा नाम मुड़े हुए का, अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुणाकेश है। गुणा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। तो जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुणाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुणाकेश कहा गया है। एवमक्तो, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास यानी भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है, जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहां ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि और इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहां अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनको अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेन योरु भयर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोन्तमम्,
दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रवखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्य तान्म संवेतान कुरुनीति। कुरुपद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए उन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, एक इस पक्ष के हैं, चाहे उस पक्ष के हैं, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर हैं सब एक ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहां पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रन समानित ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहां भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देते हैं। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं निरीक्षे अवेक्षे, अतः यही भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अनंत अंतर है। कुटुंब में ममतायुक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवकुलों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह ऐसा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शारीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता यानी मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यतया रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के साथ कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। पूर्व श्लोक में भगवान को
भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। इसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तत्रापश्च स्थित तान पार्था पितृ न था पिता महान आचार्यन मातुलान भ्रात्रन पुत्रान पौत्रान सखी तथा ससुरान सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अथ उसके बाद पार्थ प्रथानंदन अर्जुन ने तत्र उन उभयो दोनों एव ही सेनयो सेनाओं में स्थितान स्थित पितरन पिताओं को पितामहान पितामहों को आचार्यान आचार्यों को मातुलान मामाओं को भ्रातन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को प्रोत्रान प्रोत्रों को तथा तथा सखीन मित्रों को ससुरान ससुरों को च और सुहृदय सुहृदयों को अपि भी अपश्यत देखा। तो तत्रापश्यत सेन रो यो रुभ यो रपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं के युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं जो मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन और भाई खड़े हैं। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदमी के आदि के पुत्र खड़े हैं जो मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वस्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद सैभ्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी कृतवर्मा और सौरायद भी खड़े हैं। ओम जय श्री कृष्णाय नमः। 11वां एपिसोड संपूर्ण होता है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति का लाभ उठाएं, जन्म को सार्थक बनाएं। जय श्री राम।